हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज हम लेके आए हैं सेक्शन थर्टी टू प्रोवाइजो सेक्शन थर्टी टू का प्रोवाइजो है uh, ये बोलता है डेप्रीशियेसन इन केस ऑफ अमलगमेशन कंपनी या फिर डिमर्जर हो रहा है या सक्सेशन हो रहा है इन दिस केस इन दिस केसेस डिप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड नॉर्मली आफ्टर दैट इट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एमेलमेटिंग कंपनी एंड डिमर्ज कंपनी या प्रोडसिएशन कंपनी <coughs> अगर अमलगमेशन हो रहा है या डिमर्जर हो रहा है या फिर सक्सेशन हो रहा है तो डिप्रिशिएशन इस केस में एज नॉर्मली पहले कैलकुलेट किया जाएगा फिर उसके बाद यह बांट दिया जाएगा अमलगमेटिंग कंपनी में और रिजल्टिंग कंपनी में और सक्सेशन कंपनी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज के रेशियो में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा बेयर एसेट पुट टू यूज जितने दिन जहां यूज की गई है उतने दिन उसी हिसाब से उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है डेप्रीशियेशन को फिर उसके बाद आता है <coughs> सक्सेशन मीन्स क्या होता है सक्सेशन मीन्स होता है सक्सेसन uh, मीस होता है फॉर्म uh, या प्रोप्राइटरशिप होगी वो कंपनी में हो जा रही कंपनी में कन्वर्ट uh, हो जा रही कंपनी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चली जा रही ये नहीं अदर सक्सेशन अदर देन डेथ डेथ के अलावा कोई अगर सक्सेशन होता है वो यही तो हो सकते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन फिफ्टी क्या बोलता है सेल ऑफ एसेट्स कैपिटल गेन इनकेस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से ये कैपिटल गेन के अगर कैपिटल गेन के केस में डिप्रिशिएशन लगता है तो वो ब्लॉक वाइज लगेगा डब्ल्यू डी बी मेथड के हिसाब से पहले होता है वेयर ए ब्लॉक ऑफ एसेट्स सीजेस टू बी वेयर ब्लॉक ऑफ एसेट्स सीजेस टू एग्जिस्ट जिस ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा उसी ब्लॉक में उसको ऑल ट्रांसफर मतलब अगर ऑल ट्रांसफर हो रहा है तो वो उसी केस में चला जाएगा इन केस ऑफ डिप्रिशियबल एसेट्स देयर इज ऑलवेज वेज एस टी जी अगर डिप्रिशियेबल एसेट है तो वो एस टी सी जी में आएगा हमेशा के लिए याद रखना सम एसेट ऑफ ब्लॉक और, और ट्रांसफर कहीं पे यहां पे तो पूरा पहले केस में हो जा रहा था पूरी पूरी एसेट ट्रांसफर हो जा रही थी किसी ब्लॉक में या किसी डिप्रीशन के रेट के हिसाब से वो पूरे ब्लॉक में पूरा पूरा, पूरा ब्लॉक ही ट्रांसफर हो जा रहा था अब यहाँ पे होता है कि केवल एक एसेट केवल एक एसेट ही ट्रांसफर की जा रही है दूसरे केस में केवल एक ही एसेट ट्रांसफर होगी फिर आता है सेक्शन थर्टी टू सबसेक्शन वन क्लॉज आई आई एडिशनल डेप्रिएशन एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है एस एस सी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए एडिशनल डिप्रिशिएशन तभी मिलेगा अगर एस एस सी जो है वो डिप्रिशिएशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या फिर जनरेटिंग uh, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है जनरेट कर रहा है या ट्रांसमिशन कर रहा है तो उस केस में भी एडिशनल डिप्रिसिएशन दिया जाएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन के क्या क्या रूल होते हैं एडिशनल डिप्रिशिएशन के होते हैं ये एडिशनल डिप्रिशिएशन ट्वेंटी परसेंट अलाउ होगा प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डिप्रिशिएशन ट्वेंटी परसेंट प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउ होगा उसके बाद फिर आता है सेकेंड uh, हैंड ये मतलब एक्सलोडिन uh, को छोड़ करके मतलब इस केस में डिप्रिशिएशन एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं दिया जाएगा अगर मशीन सेकेंड हैंड है तो एडिशनल डिप्रेशिएशन नहीं मिलेगा अगर मशीन प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अगर ऑफिस या ऑफिस में यूज के लिए दिया गया है तो नहीं एडिशनल डिप्रिशिएशन मिलेगा या फिर रेजिडेंशियल के लिए लिया गया है तब भी एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं दिया जाएगा सिप्स एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स इस केस में भी डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच हंड्रेड परसेंट डिडक्शन अलाउड जिस प्लांट uh, और मशीनरी पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन अलाउ है उस uh, प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं दिया जाएगा एडिशनल डिप्रीशियेशन इज अलाउड ओनली इन फर्स्ट ईयर इन विच इट इज पुट टू यूज या एडिशनल डिप्रीशिएशन तभी दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में है जब ये पुट टू यूज किया गया अब एक क्वेश्चन उठता है सर कि मतलब जैसे मान लीजिए एडिशनल डिप्रीशियशन आया ठीक है एडिशनल डिप्रीशिएशन आया उसके बाद हम एडिशनल डिप्रीशियशन का मान लीजिए एसेट पुट टू यूज लेस देन वन एट्टी डेज है तो तो इस केस में हो जाएगा एडिशनल डिप्रीशियशन जो वन एट्टी डेज है वो तो पूरा एक साल में ही अलाउ हो जाएगा और जो लेस देन वन एट्टी डेज है पुट टू यूज के लिए तो उसमें हाफ परसेंट इस ईयर अलाउ होगा हाफ परसेंट अगले ईयर अलाउ हो जाएगा ठीक है आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें आपको हमारा वीडियो कैसे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय